हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक सीरीज मतलब समांतर श्रेणी। तो हमारी समांतर श्रेणी में आज हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग। संख्याओं का योग का हमारा एक फॉर्मूला होता है एस। एस इक्वल्स मतलब एक्स, एस क्या होता है सीरीज एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए एन क्या होता है हमारा, एन जो होता है हमारा जितनी हमारी सीरीज में संख्या होती हैं, क्या होता है हमारा नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, मैं आज आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसका। नंबर ऑफ सीरीज एन की वैल्यू क्या होती है, जितने हमारी सीरीज में नंबर होंगे उतनी हमारी वैल्यू लगा देंगे। टू टू ए, ए क्या है हमारा, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म जो हमने आपको बताया था अभी लास्ट वीडियो में, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन एन माइनस वन वही नंबर माइनस जो हमारी सीरीज के नंबर होंगे उसमें से हम वन माइनस कर देंगे। और डी क्या होता है हमारा, डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कॉमन। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला हमारा ये होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, जब हम n माइनस वन एल, एन माइनस वन डी की वैल्यू लगा देते हैं तो हमारी l आती है। l कैसे आती है, ये एक तरीके से फॉर्मूला। ये l क्या होता है हमारा, l होता है हमारा लास्ट नंबर ऑफ सीरीज, मतलब जो हमारा एंड की सीरीज का नंबर। जैसे मान लीजिए हमारी एक एपी दे रखी है इक्वल्स टू टू फोर सिक्स एट डेट डेट डैश 16। तो हमारा लास्ट नंबर क्या है हमारा 16। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एल एन एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। ठीक है, और ए क्या होता है हमारा, ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म। एन क्या है, एन में हमारी कितनी संख्या है, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह। तो हमारी ये कितनी संख्या हो गई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, संख्या कितनी हो गई हमारी नंबर ऑफ सीरीज 14। ठीक है, उसके बाद हमारा s बराबर n अपॉन टू ए प्लस एल, एल हमारा क्या आता है 16। तो हम इसमें लास्ट नंबर ऑफ सीरीज ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको पुटअप करेंगे हम कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और ये किस तरीके से क्वेश्चनों में फॉर्मूला लगाया जाता है। थैंक यू।